तो शारदीय नवरात्रों की रौनक है हर तरफ। नवरात्रों के 9 दिन मां भगवती के सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में माता के सभी भक्तों पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। माता के मंदिरों में पहुंच रहे सभी भक्त मंदिरों में माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। नवरात्रों के पहले दिन यानी आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर समेत अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का हुजूम है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर माता को प्रसन्न करने के लिए, माता की पूजा अर्चना करने के लिए। मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। नवरात्र के शुभ अवसर पर हर तरफ रौनक। फर्स्ट नवरात्रा है, नवरात्रों के दिन माता के अर्चना करनी चाहिए। जय सिद्धपीठ है भगवती माता जी, आपको जाना आना चाहिए। जैसे नवरात्रे हमें नित्य नेम तो डेली करते ही हैं हम, जैसे पाठ पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रे एक विशेष है हमारे। इसमें नवरात्रों में जैसे परंपरा के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है वैसे हमें करना चाहिए नित्य नेम। जैसे सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नवरात्रे करने चाहिए, फलाहार करना चाहिए, अपनी पाठ पूजा अर्चना करनी चाहिए, शुद्ध विचार रखना चाहिए। इस मंदिर का विशेष महत्व है। नव दुर्गा चल रहे हैं, आज पहली नवरात्र है हमारे। वैसे हम लोग रोज़ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन ये जो नवरात्र हैं ये साधना काल है। हमारे अपने जो विकार हैं हमको पहले स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, हमारे अंदर कौन सा विकार है। उसी विकारों को ख़त्म करने की ये साधना है कि 9 दिन हम उस विकार को ख़त्म करने का नियम लें, व्रत उपवास। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा स्वधा नमो वस्तुते। देखे आज से जो है नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और माँ भगवती जो है आज के दिन जितने भी हम सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सब जो है माँ भगवती की आराधना उपासना करते हैं। जितने मंदिर है आजकल, जितने भी श्रद्धालु हैं मंदिरों में जाते हैं और माँ भगवती का जो हमारा जो पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और आज पहला नवरात्रि है, शैलपुत्री माता का है। पहले दिन घट स्थापन वगैरह करते हैं लोग, पूजा पाठ माई का होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, 9 दिन लगातार चलता है और 10वें दिन 8वें 9वें दिन हवन होता है और भगत लोग माई के आशीर्वाद लेते रहे, इतने बहुत है।